हमारे बीच में से आज सरदार प्रताप सरदार प्रकाश सिंह जी बादल बहुत ही एक सुलझे हुए नेता, एक युग के मालिक, 96 वर्ष की आयु के बाद आज अचानक हमारे बीच में नहीं रहे। वो एक बहुत एक ऐसे दूरदृष्टि के रखने वाले नेता थे जिन्होंने पूरा जीवन एक शुद्ध सात्विक ऐसी राजनीति की, गरीब के लिए, किसान के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे और लगातार 10 बार उन्होंने अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। 20 साल तक वो पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इतने लंबे समय तक उन्होंने जनता की सेवा की है, जनता उनकी मुरीद रही है। एक युग का आज अंत हुआ है। मैं अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से, हरियाणा की जनता की ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। देखिए, क्योंकि हमारा जो राजनीति में एक अलायंस रहा है, एनडीए के अलायंस के सबसे लंबे समय तक वो पार्टनर इस नाते से रहे हैं। देश में इतनी लंबी पार्टनरशिप शायद ही किसी और पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के रही हो। बहुत बार उनसे मिलना जुलना होता था। पिछले दिनों में जब वो अचानक अस्वस्थ हुए थे तो यहीं मोहाली के इसी हॉस्पिटल में मैं उनको देखने के लिए आया था, मिलने के लिए आया था। मिलने के थोड़े समय में भी उनके मन में चिंता किसानों की थी। मुझे कहने लगे कि बेटा, किसानों की चिंता करना, किसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, बादल साहब, आप इस अवस्था में अपने थोड़ा सा ध्यान रखो, अपने सेहत का ध्यान रखो, बाकी हम हैं, सब चिंता करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बेटा किसान का ध्यान जरूर रखना। तो इस प्रकार से किसानों के प्रति जो उनके मन में एक लगन थी कि उनको उनकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसे वो नेता थे। तो इस आयु में आकर के समाज के बारे में इतना सोचना, ये बहुत बड़ी उनकी एक ताकत थी। देखो, राजनीति दे विच जिन्ने भी पुराने नेता हुए है, जिहड़े पहली आजादी तो बाद जिहड़ी पहली पीढ़ी दे नेता, वो हमेशा एक दूसरे दे नाल बहुत अच्छा तालुकात रखते सी, संबंध रखते सी, एक दूसरे नूं समझते सी। बहुत ज़्यादा कोई विपक्ष दीआं पार्टियां दे नाल भी कोई बहुत उन्हां दा विरोध इस तरह नहीं देखिया। असी जिस तरह सरकार सरदार प्रकाश सिंह बादल नूं देखने आ, या साडे अपने नेता जिवें अटल बिहारी वाजपेई जी, उन्हां नूं मैं देखना कि जिस वेले भी अपने किसी विरोधी नेता नाल भी गल करदे सी, राजनीति तो उपर उठ करके हमेशा उन्हां दी चिंतन हुंदा सी। ए सारे पुराने नेतावां दी इस तरह दा व्यवहार, मैं तो उम्मीद रखांगा कि नवीं पीढ़ी भी जिहड़ी राजनीति च आ रही है, उन्हां नूं भी कोई बहुत ज़्यादा सामाजिक विरोध ना करके आपस में तालमेल करके जनता की सेवा किवें करनी है, ये टीचा सामने रखना चाहिए और पुराने नेतावां की इस गल की सिक्ख्या जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक क्या तुसी, आखिर इन्नी वड्डी सेवा, सन 57 च पहली बारी वो MLA बने सी और 10 बारी उन्होंने अपने इलाके का प्रतिनिधित्व किया है। एक लंबी पारी उन्होंने खेली है, शायद ही इन्नी लंबी पारी खेलने वाले होर कोई नेता हो इत्थे। इस तरह उन्होंने जिवें पंजाब का बोर्ड कहा जाता है, पंजाब दे विच वड्डा लीडर दे नाते से उन्होंने इज्जत सी। मैं उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना। धन्यवाद।